चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि अभी तक हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। उस पार्शियल सब लोग अपना माइक ऑफ करें पहले तो। और ये चीज बिल्कुल कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल खुल के पूछे, उसके लिए किसी को कुछ हेजिटेट फील करने की जरूरत नहीं। हम आपको यहाँ सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बता यही बैठा, और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो बिल्कुल करेंगे। नाउ स्टार्ट जैकोबियंस। सो सिंपल जैकोबियन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो आगे, जब हमने कहा कि हम लोग ने को पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी जरूरत तभी पड़ी जब हमें टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी प्रॉब्लम में एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी आप जो भी पढ़ते हैं वो एक थ्योरेटिकल फॉर्म है, उसका प्रैक्टिकल व्यू जब आप आगे पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ते हैं तो आपको उसका ज़्यादा समझ में आता है कि जब भी हम फिजिकल प्रॉब्लम कोई करते हैं तो कई बार उसमें टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने यूज़ किया कि जिसके रिस्पेक्ट में हम वेरिएशन चेक कर रहे हैं केवल उसी के रिस्पेक्ट में हमने उसको डिफरेंशिएट किया और बाकी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया। अब उसी बिहाव पे हम जैकोबियन भी डिफाइन किए गए। ये सिंपल डिफरेंस डिटरमिनेंट वैल्यू है, जैसे हम लोग ने फंक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल कहा। सो इन जनरल जब कोई हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं तो उनकी वैल्यू को डिटरमिनेंट फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए कि वो फंक्शंस जो हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किस तरह से हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने जैकोबियंस को यूज किया। तो सब जैकोबियन जो है वो एक सिंपल डिटरमिनेंट है कि दिस मींस कि व्हेन वी हैव टू से दैट u1 u2 टू un आर फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एन इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 टू xn। अगर u1 u2 un एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, दिस मींस u1 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 टू xn, u2 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 टू xn एंड सो ऑन un and so on, un is the function of x1, x2, to xn, then the determinant value del u1 by del x1, del u1 by del x2, and so on, del u1 by del xn, second, del u2 by del x1, del u2 by, sorry, del x2 and so on del u2 by del x up to del un upon del x1, del un upon del x2 and so on del un upon del xn। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है विच इज सेड टू बी द जैकोबियन ऑफ u1 u2 to un, इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर और पार्शियल डेरिवेटिव डेल u1 u2 to un विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स x1 x2 to xn। तो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इससे भी। सो दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज सेड टू बी अ जैकोबियन of u1 u2 to un with respect to variables x1 x2 to x। तो यहाँ पे u1 u2 un dependent variable हैं on an independent variable x1 x2 to xn। so अगर हमारे पास an independent variable पता है, so for solving this determinant we get the value of the Jacobian with up आगे use इस तरह से होता है कि
कई बार ट्रांसफॉर्मेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, तो अगर जैकोबियन एक्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। इसी का एक कुछ इसके पर्टिकुलर केसेस हैं कि अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा कि यहाँ पे यू वन यू टू यू एन ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज सेड टू बी द जैकोबियन ऑफ यू वन यू टू यू एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन। सो अब इसी का एक पर्टिकुलर केस है कि अगर यू वन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वन हो, यू टू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू हो, यू थ्री इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो एंड सो ऑन सो ऑन, यू एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन हो, ठीक, देन जैकोबियन बिकम्स डेल यू वन यू टू टू यू एन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन इक्वल्स टू। अब यू वन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन, क्या होता है अगर सब एक्स वन एक्स टू के हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स वन डेल यू वन अपॉन डेल एक्स टू डेल यू वन अपॉन डेल एक्स एन एंड सो ऑन। अब जब अगर यू वन जो है केवल एक्स वन का फंक्शन है तो केवल डेल यू वन अपॉन डेल एक्स वन, चलिए फिर से लिख देते हैं, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स वन डेल यू वन अपॉन डेल एक्स टू डेल यू वन अपॉन डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन डेल यू वन अपॉन डेल एक्स एन। डेल यू टू अपॉन डेल एक्स वन डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू डेल यू टू अपॉन डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन डेल यू टू अपॉन डेल एक्स एन एंड सो ऑन एंड सो ऑन अप टू डेल यू एन अपॉन डेल एक्स वन डेल यू एन अपॉन डेल एक्स टू डेल यू एन अपॉन डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन डेल यू एन अपॉन डेल एक्स एन, ठीक, यही होती है जैकोबियन की वैल्यू। अब ये पर्टिकुलर केस क्या है जो अभी हम लोग ने जनरलाइज फॉर्म पढ़ा, उसमें जितने भी यू वन यू टू यू एन है सब एक्स वन टू एक्स एन के फंक्शन है। यहाँ पे हमने क्या कहा है कि यू वन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन, यू टू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू, u3 is the function of x1, x2, x3 and un is the function of x1, x2, 2, xn. तो अब जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u1 जो है वो केवल x1 का फंक्शन है, तो इसके अलावा जब हम x2, x3, xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सारे डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, वो सारे डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, बाकी ये जितने डेरिवेटिव्स हैं सब जीरो हो जाएंगे, ऑल आर जीरो। अब डेल यू टू जो है केवल एक्स वन एक्स टू का फंक्शन है तो डेल यू टू अपॉन डेल एक्स वन आएगा, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू आएगा, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स वन डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू, बाकी ये जितने हैं सब जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इसी तरह एंड सो ऑन। जब डेल यू, अब यू एन जो है वो सबका फंक्शन है तो ये सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे, दिस मींस कि डेल यू एन अपॉन डेल एक्स वन डेल यू एन अपॉन डेल एक्स टू एंड सो ऑन डेल यू एन अपॉन डेल एक्स एन, ठीक। जब हम इस डिटर्मिनेंट को इसको रफ कर रहे हैं अब जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, मान लीजिए अगर हमने फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व किया, अगर फर्स्ट रो के अलोंग इसको सॉल्व करेंगे तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही आएंगे, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स वन डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू एंड सो ऑन डेल यू, क्योंकि ऑल बाकी टर्म्स जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो आएगा, जीरो आएंगे। तो जब अगर हम इस डिटरमिनेंट को जब हम इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे then this gives
डेल यू वन अपॉन डेल एक्स वन, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू एंड सो ऑन इनटू डेल यू एन अपॉन डेल एक्स. तो दिस इज मीन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगनल. तो जो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट ही जो है वो इस जकोबियन की वैल्यू होगा अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म के फंक्शंस हमें गिवन हैं. तो ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम. किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा अलग से, ठीक? नाउ जैकोबियन ऑफ द फंक्शन. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलिए मैम. जैकोबियन वैल्यू से हमें पता क्या चलता है, मतलब ये वैल्यू में क्या बताती है? अभी आप आगे ये तो पहले तो फर्स्ट जैसे हमने कहा कि यहाँ पे u1 तो u1 u2 हैं. आगे हम चेक करेंगे और इनकी हेल्प से कि पहली बात तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल करते थे कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन से कार्टेशियन से पोलर में क्या चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस मैम, वो चीज पॉसिबल है कि नहीं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत छोटा छोटा था. फिर दूसरा ये सारे वेरिएबल हमने कहा कि ये सारे वेरिएबल इन एक्सेंस के डिपेंडेंट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं ये भी जैकोबियंस की प्रॉपर्टीज पर डिफाइन, और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो हम इनसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक? कि इन इंडिपेंडेंट ये जो वेरिएबल डिपेंडेंट है इनका आपस में भी कोई रिलेशन है या ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है? ठीक है, ठीक है. सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम जैकोबियन की प्रॉपर्टीज से फाइंड आउट करते हैं. तो ये तो फर्स्ट था. एंड जैकोबियन ऑफ अ फंक्शन जो हम लोग ने कहा था पहले भी हम लोग ने पढ़ा है कि मान लीजिए कि u1 जो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोग ने कहा था कि मान लीजिए u1 u2 टू un आर फंक्शंस ऑफ y1 y2 टू yn एंड y1 y2 एंड yn आर फंक्शंस ऑफ x1 x2 to xn. अगर u1 u2 to un फंक्शंस ऑफ y2 yn है और ये yn जो हैं दीज आर दी फंक्शंस ऑफ xn. तो हमें पता है जैसे हम लोग ने वहां पे कहा था कि अगर z इज दी फंक्शन ऑफ x एंड y एंड xy अगेन अ फंक्शन ऑफ u एंड v, तब दो दो का लेके चले थे हम लोग, देन दिस इम्प्लाइज दैट कि z इज आल्सो द फंक्शन ऑफ u एंड v. पढ़ा था ये चीज चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कि x पहले z जो है वो xy का फंक्शन है, फिर x और y जो है वो u v के फंक्शन है. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि z इज द फंक्शन ऑफ u एंड v आल्सो. तो हम लोग ने सिंपल लिख दिया था कि डेल जेड बाई डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी. अब यहाँ पे एन वेरिएबल्स के लिए वही चीज. हाँ बोलिए. सॉरी मैम टू डिस्टर्ब यू मैम. रुद्र प्रताप करके मैम एक लड़का है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा मैम. कहाँ अटक गए थे भाई, शो तो नहीं हो रहे? कोई सनोवर अली आए आए रुद्र प्रताप से. अब देखिए इतने सारे लोग आ गए हैं. चलिए सो जैसे हम लोगों ने टू के लिए कहा था वही चीज है कि u1 u2 un आर फंक्शंस ऑफ y1 y2 yn एंड y1 y2 yn आर फंक्शन ऑफ x1 x2 टू xn. सो दिस इंप्लाइज दैट कि u1 u2 एंड un आर आल्सो द फंक्शंस ऑफ x1 x2 टू xn होंगे. अगर होंगे तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्सिस्ट करेंगे. तब सिंपल जैकोबियन से ये चीज हम डायरेक्टली कह सकते हैं. जैसे आपने ये टू वेरिएबल के लिए पढ़ा था तो टू वेरिएबल के लिए हमने क्या लिखा था कि व्हेन z इज द फंक्शन ऑफ u, सॉरी z इज द फंक्शन ऑफ xy एंड x एंड y
एंड एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ यू एंड वी। सुहानी, बहुत मुश्किल है सबका, बाद में एक टाइम के बाद बहुत मुश्किल है सबका लेना, क्योंकि एक बार स्कैन कर लो तो बार बार अब आप लोग ध्यान रखिएगा बात के स्टूडेंट्स का। नो एक्स यू वी एंड जेड यू वी, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि जेड इज द फंक्शन ऑफ यू वी आल्सो। सो हम लोग ने क्या लिखा था कि डेल जेड बाई डेल यू क्या था कि जेड पहले एक्स का फंक्शन है, फिर एक्स जो है वो यू का फंक्शन है, प्लस जेड पहले वाई का फंक्शन है, फिर वाई जो है वो यू का फंक्शन है। तो यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सब डेरिवेटिव यू के, एंड डेल जेड बाई डेल वी, तो डेल जेड पहले एक्स का फंक्शन है, वाई यू का फंक्शन है कि वी का फंक्शन है, क्या चीज, वाई यू का फंक्शन है कि वी का फंक्शन है मैम, दोनों का फंक्शन है, जेड इज द फंक्शन वाई एंड एक्स एंड वाई आर देन द फंक्शंस ऑफ यू एंड वी, एक्स भी यू वी का फंक्शन है और वाई भी यू वी का फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई के भी पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू वी। एक आपने केस पढ़ा था कि जेड इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई एंड एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ टी, then this implies that is z is also the function of t, है ना, तो ये सिंगल वेरिएबल का था। अब यहाँ पे x और y भी दो वेरिएबल के फंक्शन है, सो इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे। अब यही उसका एक जनरलाइज फॉर्म है जिसको हम यूजिंग जैकोबियंस जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रूफ हम u1, u2, un पहले किसके फंक्शन है, y1, y2, yn के हैं, फिर y1, y2, yn जो है वो x1, x2, xn के फंक्शन है। दिस मीन्स कि जो हम जैकोबियन फाइंड आउट कर रहे हैं विच इज u1, u2 टू un विद रिस्पेक्ट टू x1, x2 टू xn, ठीक, कि जैसे ही हमने कहा कि अगर u1 u1 जो है वो yn के फंक्शन है, yn विद xn के फंक्शन है, देन दिस इंप्लाइज दैट कि un आर आल्सो द फंक्शंस ऑफ xn। तो ये क्या होगा, पहले जो है वो u1 जो है un जो है पहले y के फंक्शन है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन, फिर yn जो है वो एक्स एन के फंक्शन है, तो एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन। सो बाई जैकोबियंस वी फाइंड डायरेक्टली दिस वैल्यू। जो आपने ये चीज यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लिए लिखी है वो यहाँ पे एन वेरिएबल के लिए डिफाइंड है, सिंपल एक स्टेप करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमने यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि डेल जेड अपॉन डेल यू, तो अब z की जगह समझिए यू एन से हैं, x और y की जगह पे y n से हैं, और यू वी की जगह पे x n से हैं। तो u1 फर्स्ट डेल u1 अपॉन डेल x1, ठीक, तो u1 पहले किसका फंक्शन है, पहले y1 का फंक्शन है, फिर y1 जो है वो x1 का फंक्शन है, प्लस u1 फिर y2 का फंक्शन है, एंड y2 फिर x1 का। अब x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सब x1 है, वही चीज है, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सब u है, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सब v है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। पी टू वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं? यस मैम। यस मैम। एम टू वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पी टू वालों को प्रॉब्लम है।
जो प्रॉब्लम है वो शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो आपके अपने तक सीमित रह जाएगी। प्रॉब्लम नहीं मैम, M2 वाले भाई हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही बात है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे बिल्कुल डिस्कस करें, बिल्कुल हेजिटेट ना फील करें। एंड प्लस डेल U1 पहले Y3 का फंक्शन है, फिर Y3 X1 का फंक्शन है। अब यहाँ पे Y1 Y2 Yn भी Xn के फंक्शन है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X1 लिख रहे हैं, इसलिए सबका विद रिस्पेक्ट टू X1 अप टू n तक, डेल U1 अपॉन डेल Yn एंड डेल Yn अपॉन डेल X1। अब इसी को अगर समेशन, समेशन सिंबल पढ़े हैं आप लोगों ने? यस मैम, यस मैम। तो समेशन लिखना चाहे से तो देखिए, ये जो इंडिसीज है U1 और X1 जो है वो सेम है, हर एक टर्म में U1 X1 U1 X1। इसका माइक प्लीज, माइक ऑफ रखिए। सो डेल U1, अब Y1 जो है वो डमी है, Y1 Y3 Yn यही वेरी कर रहे हैं, सो दिस मींस इन्हीं पे हम समेशन अप्लाई कर दें, डेल वाई आई अपॉन डेल X1, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। समझ में आया? तो अगर समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये डेल U1 और ये डेल X1 तो सेम रहेगा, सिर्फ ये y1 फिर y2 एंड फिर y3 एंड सो ऑन। सो दिस सम कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। सो इसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा गया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। दिस मीन ये क्या मतलब हुआ, दो जैकोबियंस का प्रोडक्ट है, दिस इज सेम एज द डेल U1 अपॉन डेल U2 विद रिस्पेक्ट टू X1 X2 टू XN। तो जो हम लोगों ने ये इस फॉर्म में लिखा है टू वेरिएबल्स के लिए, ये n वेरिएबल्स के लिए जैकोबियन से हम इजीली इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द जैकोबियन। सो नाउ उसी में और भी चीजें हैं कि इनवर्स, कि इफ जैकोबियन, कि इफ जे बी द जैकोबियन ऑफ अ सिस्टम यू वी विद रिगार्ड टू एक्स वाई एंड जे डैश द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, देन जे जे डैश इक्वल्स टू 1। तो सिंपल है कि अगर जे जो है वो जैकोबियन है, दिस इज द जैकोबियन ऑफ फर्स्ट है यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जे डैश जैकोबियन है एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो हमें प्रूव करना है कि जे जे डैश इक्वल्स टू 1। तो सिंपल है कि जे जे डैश, दिस मीन्स डेल यू वी बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इन टू जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। सिंप्लीफाई करें, इस जैकोबियन की यू वी, दिस मीन्स की डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स बाई डेल यू डेल एक्स बाई डेल वी डेल वाई बाई डेल यू एंड डेल वाई बाई डेल मल्टीप्लाई कर दें। दो डिटरमिनेंट्स हैं, उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल यू प्लस
डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वाई बाई डेल यू, फिर इसको सेकेंड कॉलम से डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल यू, फिर फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से सो डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वाई बाई डेल वी, ठीक। सो यहीं पे लिखना है क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर दिखता नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब फर्स्ट कि जब हम डेल यू बाई डेल कहाँ गया डेल यू बाई डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल एक्स बाई डेल यू कह रहे हैं तो वन डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई कह रहे हैं सो दिस इज इक्वल्स टू वन। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है विच इज इक्वल्स टू वन, कि डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई बाई डेल यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस मीन्स डेल यू बाई क्या हो गई, हेलो हेलो तो ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज का मतलब क्या हुआ, बाई डेल यस मैम आ रही है बाई डेल यू प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल यू, सो दिस मींस यू को ही पहले एक्स में किया फिर एक्स को यू में, यू को एक्स में किया फिर वाई को यू में किया, सो दिस मींस कि जैसे ही हम डेल यू बाई डेल एक्स कर रहे हैं सो दिस मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल यू, ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है विच इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल यू, तो यू को यू के रिस्पेक्ट में जब पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू इज वन, सो दिस मीन्स फर्स्ट वैल्यू इज वन। यहाँ पे क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई बाई डेल वी, तो फर्स्ट वाले में आया आपका ये आया आपका डेल यू बाई डेल यू, दूसरा आया डेल यू बाई डेल वी, यहाँ पे क्या आया डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल यू डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल यू, तो यहाँ पे आया डेल वी बाई डेल यू, यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल वी, तो ये आया आपका डेल बाई डेल वी। ये एक बार मैं फिर से जरा ये कैसे आया, जब ये लिखते हैं देखिए जब आपने ये लिखा ठीक, तो जब डेल जेड बाई डेल यू लिखा तो डेल जेड बाई डेल एक्स बाई डेल यू ठीक, तो समझिए कि क्रॉस हुआ तो डेल जेड बाई डेल यू है, यहाँ पे डेल वाई डेल वाई क्रॉस हुआ, ये सही तरीका नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं, ये डेल वाई क्रॉस हुआ तो डेल जेड बाई डेल यू है, दिस मींस फाइनली डिफरेंशिएट करने पे डेल जेड बाई डेल यू आना चाहिए, यस मैम। जब सेकंड करते हैं तो एक्स एक्स अगर लिखा हमने तो डेल जेड बाई डेल वी आया, यस मैम। जब वाई वाई कट किया तो डेल जेड बाई डेल वी आया, तो ये वैल्यू किसकी है, डेल जेड बाई डेल वी की, ठीक। वही चीज जब ये एक्स एक्स गया तो डेल यू बाई डेल यू आया, यस मैम। जब वाई वाई जा रहा है तो भी डेल यू बाई डेल यू आया, तो वैल्यू क्या हुई, डेल यू बाई डेल यू डेल यू, सेकंड वाले में तभी एक्स गया तो डेल यू बाई डेल वी प्लस डेल वाई बाई डेल वी, तो डेल यू अपॉन प्लस में वन वन नहीं है ये दोनों, ये जो आप बोल रहे हैं वन वन चीज नहीं है, ये तो इनके सम के फॉर्म में लिखा जाता है ना, सबका पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम डेल यू अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल यू तो होगा डेल यू अपॉन डेल यू। आप उसको उस तरह से मत समझिए कि ये हमने कट किया है तो ये कोई क्रॉस कट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तभी हम बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक आपको समझने का तरीका बता रहे हैं हम, चेन में लिखते हैं जब चेन प्रॉपर्टी जब फर्स्ट में आपने लिखना शुरू किया था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, x इज द फंक्शन ऑफ t, तो आप y, so this implies that कि y is the function of t,
तो dy by dt जब लिखा था तो क्या आया था, dy by dx into dx by dt लिखा था। yes, ये होता है या नहीं, ये पढ़ा है शुरुआत में इंटर में। yes, उसी का। अब ये तब था जब x और y दोनों सिंगल वेरिएबल के फंक्शन थे। yes, तो अब ये काट के तो ये भी dy by dt dy by dt के बराबर हो गया। तो ये काटने का मतलब कोई ये थोड़ी ना कि न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है तो कट कर दिया। ये तो yes, आपको sir. एक समझाने का समझने का एक मेथड बता रहे हैं सिर्फ हम, कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये थोड़ी ना है कि हमने x और x को काट दिया तो del z by del u बचा, यहाँ पे y को y काट दिया तो del z by del u बचा। कट थोड़ी ना कर सकते हैं हम, ये तो डेरिवेटिव है फंक्शन के। ठीक है। yes, उसी तरह से del v by del x, del x upon del u, तो यहाँ पे del v by del u आएगा। जब इसको लिखेंगे तो del v by del v। अब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब u को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन y वन, जब u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वेरिएबल डेरिवेटिव, क्योंकि u जो है वो x और y का फंक्शन है, u और v का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर u और v इंडिपेंडेंट हैं तो जब y अगर x का फंक्शन है, x अगर t का फंक्शन है, और या x किसी और का फंक्शन मान लें, x को नहीं मान लें, मान लीजिए z, चलिए अगर हम कहें कि z जो है वो x y का फंक्शन है, ठीक, और z को हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो t का तो वो फंक्शन ही नहीं है, तो डेरिवेटिव जीरो आएगा कि नहीं। यस मैम। तो उसी तरह से v yes, और u जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, तो दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। कि डेल यू अपॉन डेल वी करें या फिर डेल वी अपॉन डेल यू करें, दोनों जीरो। लेकिन जब वी को वी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, यू को यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वैल्यू इज वन वन। मैम तो डेल यू अपॉन डेल यू को हमने एक्सपेंड कैसे किया उस फॉर्म में लाने के लिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस, यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह का फंक्शन आया ना। अच्छा, ये जो डेल यू अपॉन डेल यू लिखा नहीं इसका, अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख रहे हैं या डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखते हैं मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे पहले यू जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, यही तो लिखा हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इस तरह से लिख के आ रहा है, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब दो डिटरमिनेंट को, एक डिटरमिनेंट जैकोबियन ये है, एक जैकोबियन ये, जैकोबियन मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू, तो जब डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया तब ये निकल के आया, एंड दिस मींस दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल यू, क्योंकि दोनों वही चीज है जैसे हमने बताया कि देखने का तरीका कि डेल यू अपॉन डेल यू का है, और यहाँ पे वी है दोनों में, ये चेंज हो रहा है केवल, और ये दोनों सेम है, तो ये डेल यू अपॉन डेल वी का है। यहाँ पे ये दोनों चेंज हो रहे हैं और ये दोनों सेम है सब में, तो इसका मतलब ये डेल वी बाय डेल यू का है। भाई जब हमने समेशन में आपको यहाँ पे लिख के दिखाया ये, तो इसी तरह से तो नहीं हो रहे, खाली वाई वन वाला चेंज हो रहा था। हाँ, सब में तो यही है, केवल ये दोनों चेंज हो रहे हैं, ये सब दोनों में सेम है, ये दोनों सेम है, ये चेंज हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव किसका है, डेल यू वन अपॉन डेल एक्स वन का ही तो है कि नहीं। yes, yes, तो वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये उन्हीं दोनों का डिफरेंशिएशन है, ये ये दोनों चेंज हो रहे हैं और ये दोनों जो है ये सेम है, सब में यही चीज है। ठीक, तो जब हम वेरिएबल को उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन आएगा, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेरिवेटिव जीरो आएगा, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो टोटल हो। सो दिस मींस वैल्यू इज इसकी और इसकी तो वन होगी, और वी को यू के रिस्पेक्ट में करें या फिर यू को वी के रिस्पेक्ट में करें, वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। सो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गई, वन हो जाएगी। वन। सो दिस मींस अगर यू वी
एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई यू वी का फंक्शन है, सो दिस मीन्स की जे जे डैश इक्वल्स टू वन, दिस मीन्स की दे आर इनवर्टेबल, दिस मीन्स ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो इनवर्टेबल फंक्शंस हैं, कि एक को दूसरे के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे को पहले के टर्म्स में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वो पढ़ते हैं ना कार्टेशियन से पोलर, ये तरीका पढ़ते हैं ना, x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, तो यहाँ पे आप कार्टेशियन से पोलर में भी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ r थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ r थीटा, ठीक। यहां से आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर अंडर रूट लिख दें तो ज्यादा समझ में आए, रूट दिस लिख दें एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये क्या अप्लाई करता है, r इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है दोनों की नहीं, तो यही चीज हो गई कि नहीं, कि यहाँ पे पहले u और v एक्स वाई के फंक्शन है, फिर x और y u v के फंक्शन है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि पहले x और y r थीटा के फंक्शन है और r थीटा x y के फंक्शन है, मतलब इनका आपस में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, कि अगर जैकोबियन जो है वो नॉन जीरो आया है, जैकोबियन नॉन जीरो है, सो दिस मींस कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं, इनवर्टेबल हैं। यहां तक समझ में आया है सबको? यस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा। अब जैसे जो अभी आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी वो दो वेरिएबल्स के लिए थी, अब उसी को जनरलाइज्ड किया गया है मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए, एंड दिस मींस जैकोबियन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इन्होंने कहा है जैकोबियन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जैकोबियन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जैसे हमने कहा कि आपने यहाँ पे जे जे डैश इक्वल्स टू कहाँ गया, यहाँ पे अभी आपने प्रूफ किया कि जे जे डैश इक्वल्स टू वन, इट मींस वन इज इनवर्स ऑफ द अदर, जे इक्वल्स टू वन अपॉन जे डैश लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ द अदर, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लिए क्या था, अब उसी को जनरलाइज करें कि जैकोबियन ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो इफ y1 function of x to xn is the function of x1 to xn and माइक ऑफ रखिए बेटा भाई आप लोग, x1 to xn, so this implies that जो अभी हम लोग ने लिखा कि y को y1 to yn, Jacobian of yn with respect to xn into Jacobian of x1, x2 to xn with respect to y1, y2 to yn equals to 1. यही चीज अभी हम लोग ने दो वेरिएबल के लिए लिखी थी, यही चीज दो वेरिएबल के लिए लिखी है, दिस इज इक्वल्स टू 1, uv with respect to xy into xy with respect to uv equals to 1. अब यहाँ पे n variables के लिए यही चीज लिखी हुई है कि y1 to yn, x1 to xn and x1 xn to jy1 y2. So Jacobian of these two product is equals to 1. So this is the Jacobian of inverse function. Okay, this means this shows that कि अगर y1, y2, yn को हम x एंस के टर्म्स में लिख सकते हैं तो एक्स एंस को हम वाई एंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल तभी होगा जब ये दो जैकोबियन की वैल्यू इक्वल्स टू वन होगी। मैम दूर से देख के लग रहा है ऊपर नीचे सब कट गया और वन आ गया, तो वो आप इसको कंफ्यूज मत करिए, जैसे हमने लिखा कि डेल आर अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स बाई डेल आर, तो ये कोई एक फंक्शन की वैल्यू है,
ये कोई डेल एक्स ऐसे कोई डेरिवेटिव कट थोड़ी ना गया, ये तो वेरिएशन है आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इनके डेरिवेटिव सेम आते हैं अगर ये दोनों इन्वर्टिबल हैं। दिस मींस कि अगर हम एक्स को आर और थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं तो आर थीटा को भी हम एक्स और वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वन है। हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, जैसे हर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है इसलिए हर फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो मैपिंग वन वन ऑन टू होती है वही इन्वर्टिबल होती है या नहीं? Yes. हर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है, तो हर बार जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही है कार्टेशियन से पोलर में, तो ये तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो अनदर फिजिकल प्रॉब्लम में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन्वर्टिबल हो। तो कब इन्वर्टेबल होगा? जब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई। दिस शोज दैट कि अगर हम yn's को xn's के टर्म्स में लिख सकते हैं तो xn's को हम yn's के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यस, अब क्लियर है? यस। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस तरह से लिखने का जो तरीका है ये खूब प्रैक्टिस करिए, अगर ये कहीं पे भी गलत होगा तो जो आपका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो भी आप सही से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई जगह उसमें भी पूरा एक्सप्लेन फॉर्म यूज किया गया है। यहाँ कहीं लिखा है कि नहीं? यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसलिए इनको लिखने का तरीका कि कब किसका जो फंक्शन है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये सही से ध्यान है तो सारे प्रूफ्स भी आपके सही रहेंगे। मैम अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो प्रूविंग आएगी क्या? ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं होगा। अरे हम करवा देंगे, हमारे हाथ में तो कुछ, मेरे हाथ में पढ़ाना है सो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ। मैम अगर 3 दिन क्लास रखें तो सिलेबस हो जाएगा? क्या चीज? 3 दिन ही क्लास में सिलेबस तो हो जाएगा? हम 6 days लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है पढ़ने में? ना ना, हाँ तो हम तो पढ़ा, हम तो 6 days पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन में इसलिए नहीं फील होता है कि एक साथ इतने बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ इतने बच्चे एक टाइम पे खाली नहीं रहते हैं। मैम लेकिन बुक में प्रूविंग बहुत खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है, बिल्कुल खतरनाक नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये लिखने की प्रैक्टिस हो गई और प्रूविंग कोर्स में नहीं है, इसीलिए हम इसकी, जिसकी प्रूविंग कोर्स में है, कोर्स में है, दिस मींस कि इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रूविंग हम करा रहे हैं आपको, सिर्फ एक दो की प्रूविंग नहीं कराई है, तो इन जैकोबियंस की प्रूविंग इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो इसी से निकल के आती ही है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है और इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो, और जिस पार्ट की प्रूविंग इम्पोर्टेंट होगी वो प्रूविंग भी करा देंगे। खतरनाक बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स होके जितनी बार नहीं समझ में आए आप उतनी बार पूछिए। यस मैम, ठीक, प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आएगा फिर रिपीट कर देंगे हम। यस मैम, चलिए तो कल फिर इसी टाइम पर मिलते हैं हम। ओके मैम, थैंक यू मैम।